नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो है वो एचपी पीजीटी एग्जाम के लिए जो है वो एक नई सीरीज जो है वो चलाई थी, जिसमें हम लोग जो है वो डेली जो आपका बीएड पोर्शन है, बीएड पोर्शन जो आपका 20 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, उसी से रिलेटेड हमने जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो पिछली क्लासेस, फिर चाहे वो पेपर 1 के जितने भी मॉक टेस्ट हो या फिर आपके पास बीएड पोर्शन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल हमारे सेशन हो या फिर जो है वो मॉक टेस्ट हो, वो आप सभी ने जो है वो विजिट कर लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। और आज के इस सेशन को जो है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन। तो जल्दी से बता दीजिए, जो आपका कोठारी कमीशन था, जिसको कि नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, 1964-66 के नाम से भी जाना जाता है, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है वो बताना है कि उनकी जो सिफारिशें थी उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज भाषा के ऊपर जो अब उन्होंने कहा है टू लैंग्वेज फॉर्मूला, मदर टंग हिंदी या फिर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो आप सभी ने याद रखना है कि उनके अकॉर्डिंग जो है वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो इन्होंने दिया था। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पहले ऐसे भी पूछा जा चुका है कि कौन सा जो है वो थ्री फॉर्मूला जो है वो लैंग्वेज का कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सिलेबस मेंशन किया हुआ था एचपीपीएससी के द्वारा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने टेस्ट सीरीज या फिर ये क्वेश्चन जो है वो अरेंज किए हैं। तो जल्दी से बताना है कि बेसल एस इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो वर्ड है ये आपने बताना है कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस या फिर एटीट्यूड। तो चार ऑप्शन है आप सभी के पास, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो याद रखना है सभी ने, ये आपके जो है वो बुद्धि से, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसी से जो है वो संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड्स। तो बताइए जल्दी से, जो आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम लगता है ऑफ ए टीचर एजुकेशन दैट प्रोवाइड कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट, कंटेंट कोर्स, रिसर्च कोर्स या फिर प्रैक्टिकल कोर्स। तो याद रखेंगे सभी, ए कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट क्या होता है, पूरी तरह से जो है वो स्कूल वाला वातावरण जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो टीचर के लगाए जाते हैं, उनको जो है वो एक तरह से स्कूल की तरह ही जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो अल्फर्ड बेनेट, विलियम स्टर्न, जे एस बोनर है या फिर गिलफोर्ड। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100, आपने अच्छे से पढ़ा है। साथ ही अगर आप लोग भी जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बीएड पोर्शन के लिए 99 रुपीज की और पेपर 1 के लिए जो है वो 149 की जो है वो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 25 जो है वो मॉक टेस्ट रहेंगे और बाइलिंगुअल रहेंगे, याद रखना है सभी ने। और अगर हम बात करें आईक्यू का कॉन्सेप्ट पहले किसने दिया था, तो विलियम स्टर्न जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, RTE एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, तो बताइए जल्दी से, राइट टू एजुकेशन एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, तो क्या आंसर आएगा 5th के लिए, ऑप्शन नंबर बी 5 मई 2010 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर टाइप ऑफ, तो बताइए जल्दी से, लॉन्गिट्यूडनल जो आपकी स्टडी रहती है दैट आर द टाइप ऑफ डेवलपमेंटल स्टडी है, हिस्टोरिकल है, सर्वे है, फिलोसफिकल स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करना है,
तो ये आपका जो है वो एक तरह से डेवलपमेंटल स्टडीज को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू डेवलप एजुकेशन। तो बताइए जल्दी से इनमें से कौन सी सबसे उत्तम जो है वो क्या है फॉर्म है गवर्नमेंट की एजुकेशन को विकसित करने की। मोनार्की है, डायरेक्टरशिप है, डेमोक्रेसी है या फिर एस्ट्रोक्रेसी है। तो बताइए जल्दी से 7th के लिए क्या राइट आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस जरूर आप लोग जो है वो विजिट करें। नेक्स्ट आता है मेथोडिकल स्टडी इज। तो बताइए जल्दी से एंथो मेथोडिकल स्टडी इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च है, सोशियोलॉजिकल रिसर्च है या फिर फिलोसफिकल रिसर्च है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए याद रखना है एंथो मेथोडिकल स्टडी को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जेरोफेंथलीमिया इज द रिजल्ट ऑफ इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ। तो बताइए जल्दी से इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ विटामिन बी डी ए या फिर सी। तो याद रखना है विटामिन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम। तो टेलर्स का करिकुलम का मॉडल जो है वो आपने पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने आंसर करना है। एम्स, सब्जेक्ट कंटेंट टीचिंग एवेल्यूशन, सब्जेक्ट कंटेंट टीचिंग लर्निंग टेस्टिंग है, पर्पस ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्पस एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस या फिर वेरिफिकेशन ऑफ गोल। तो सी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसे रिपोर्ट द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी रेट ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया अवार्ड। तो बताइए जल्दी से इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस था लिटरेसी रेट का दैट इज 16.68%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है द बैरियर इज क्रिएटेड इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द ड्यूल मीनिंग ऑफ वर्ड इज। तो जल्दी से बता दीजिए द बैरियर क्रिएटेड बाय कम्युनिकेशन ड्यू टू द ड्यूल मीनिंग ऑफ द वर्ड। साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन है, आईसीटी आपका सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल बैरियर टू कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, सिमेनेटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। तो बताइए जल्दी से 12th क्वेश्चन के लिए। तो याद रखना है सभी ने ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सिमेनेटिक बैरियर टू है कम्युनिकेशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फादर ऑफ क्रिएटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फादर ऑफ क्रिएटिविटी थॉर्नडाइक, चार्ल्स स्पीयरमैन, स्कीनर या फिर टॉरेंस ईपी। बताइए जल्दी से, थॉर्नडाइक नहीं हो सकते हैं, स्पीयरमैन भी नहीं है, स्कीनर भी नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव बाई यूजिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स। बताइए जल्दी से इनमें से कौन सी चीज का आप लोग उपयोग नहीं करेंगे नॉट अचीव बाई यूजिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स। ऑब्जेक्टिव इन स्कोरिंग हाई डिग्री इन रिलायबिलिटी, वाइड कंटेंट कवरेज या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। 14th के लिए याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
असेस्ड बाय यूजिंग ऐसे टाइप क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। नॉलेज ऑफ वाइड कंटेंट एरिया, सप्लाइंग सुटेबल आर्गुमेंट्स, थिंकिंग स्किल्स, या फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। 15th के लिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। नॉलेज ऑफ वाइड कंटेंट एरिया, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग जो है वो एचपी पीएससी के द्वारा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आप लोग जो है वो स्टडी सर्विस के ऑफिशियल नंबर 7591046600 पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड आइटम्स अमंग द फॉलोइंग, कंपटीशन, कॉपरेशन, कंफ्लिक्ट, या फिर इंट्रैक्शन। बताइए जल्दी से। तो कंपटीशन, कॉपरेशन और इंट्रैक्शन जो है वो इंटर कोरिलेटेड एक तरह से, बट कंफ्लिक्ट्स जो है वो क्या है, थोड़ा ऑड जो है वो इसमें लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप में से कोई एचपी टीजीटी या फिर टेट की जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमारे पास जो है वो पटवारी के लिए ऑनलाइन बैचेस जो है वो रहते हैं, तो आप जो है वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को जो है वो विजिट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। मोस्टली गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द आइडिया, परसेप्शन, इंट्रोस्पेक्शन, कंसंट्रेशन, या फिर मेडिटेशन। बताइए जल्दी से 17th का। तो बिल्कुल ये जो है वो आपका परसेप्शन के ऊपर जो है वो बेस्ड है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन किया है, तो दो तीन क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन में ऐड किए हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड, तो ये आपका चाइल्डहुड से रिलेटेड है। बताइए जल्दी से। केयरफुल ऑफ फॉर फ्यूचर, इंक्रीज लॉजिकल पावर, हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, या फिर एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स। तो जल्दी से आप लोग जो है वो आंसर कर दीजिए। 18th के लिए क्या राइट आंसर होगा। तो याद रखना है केयरफुल फॉर फ्यूचर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। केयरफुल फ्यूचर जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए है। जल्दी से जो है वो आप लोग चैट ऑप्शन में जो है वो आंसर करेंगे कि इनमें से कौन सा कमीशन था जिसके द्वारा डिसेंट्रलाइज किया गया था प्राइमरी एजुकेशन को। ऑप्शन नंबर वन है हंटर कमीशन, सैडलर, मुदालियर, या फिर कोठारी। तो चार यहाँ पे ऑप्शन है, फटाफट जो है वो आप लोग चैट ऑप्शन में आंसर करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है वो शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह से जो है वो आप बने रहें और जल्दी ही आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।